हेलो स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड द मैट्रिसेस चैप्टर. हमने मैट्रिसेस चैप्टर शुरू कर दिया था. थोड़ी सी रिवीजन भी हमने शुरू कर दी थी, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूरे कवर कर चुके थे. बेसिक ऑपरेशन भी हमने क्लास में कंप्लीट कर चुके थे. हम उसकी भी आज एक क्विक रिवीजन लेके, जो एक लास्ट और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन मैट्रिसेस का बचा था, वो हम आज स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एक्चुअली जो मैट्रिसेस चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट होती है. वहाँ तक चैप्टर बहुत ही इजी है, आपने अभी तक देखा भी होगा. तो जस्ट स्टार्ट करने से पहले हम जो भी हमने पहले पढ़ा था उसकी रिवीजन करते हैं. हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस का डिस्कशन किया था. देन वी स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जहाँ पे हमने एक सीरीज देखी थी कि जहाँ पे रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, सिंगल टोन मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस हमने डिस्कस किए थे. और ये सब डेफिनेशंस बहुत इजी है, सो वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एक दूसरा सेट मैट्रिसेस के टाइप्स का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे हर एक्सरसाइज में. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे माइंड में हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है. सो एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के दिया था. अगर आप उस फ्लो चार्ट के साथ चलोगे, तो आपको हर एक चीज़ आपके माइंड में रहेंगी और एग्जाम को जाते वक्त भी एक फ्लो चार्ट ओवरलुक कर लोगे, तो आपके लिए रिविजन के लिए भी बहुत आसानी होती है. वरना हमें बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है कि सारे टाइप्स पढ़ूँ, कौन सा टाइप कहाँ पे है, क्या नहीं, सब फाइंड आउट करने में बहुत हमारा टाइम वेस्ट होता है. और फ्लो चार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कवर भी कर सकते हैं फ्लो चार्ट के साथ ही, जिसका भी डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक सेट हमने डिस्कस कर लिया. सेकंड सेट था हमारा जो स्क्वायर मैट्रिसेस का, क्योंकि इसके बाद जो भी मैट्रिसेस आते हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं. इसीलिए जो भी डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो ना कि ऐसे मैट्रिसेस बल्कि ऐसे स्टार्ट होती है स्क्वायर मैट्रिसेस, जिसमें एक सेट था कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया था डायगोनल मैट्रिसेस, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिसेस, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम होने चाहिए. और नेक्स्ट आपका यूनिटी मैट्रिसेस, जहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके वन होने चाहिए. दिस इज वन ऑफ द सेट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस. नेक्स्ट आपका सिंगुलर नॉन सिंगुलर, आप स्क्रीन पे फ्लो चार्ट देख सकते हो, जहां पे आपको रिवीजन भी हो जाएंगी. स्क्वायर मैट्रिसेस के डायगोनल, स्केलर और यूनिटी मैट्रिक्स डिस्कस करने के बाद सेकेंड सेट स्क्वायर मैट्रिसेस का आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. जहाँ पे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का जीरो होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और जहाँ पे डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होता है उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर. नेक्स्ट आता है आपका ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था. अपर ट्रेंगुलर माने लोअर ट्रैंगल के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माने आपके सारे अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. नेक्स्ट था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसी स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम आगे बढ़ाते हुए आगे की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जो कि आपके है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट आती है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 7. सो जो भी आपके पास रो है उसको कॉलम बना दो, तो वो आपके दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, या फिर कॉलम को रो बना दो. जो भी आप चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया गया ए मैट्रिक्स इज लाइक दिस, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी. नाउ व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, जो ये आपका रो है उसको आपको क्या बनाना है, कॉलम. सो नाउ दिस रो 1, 2, 3 बिकम्स अ कॉलम 1, 2, 3, and this row 2 becomes a column 2, that is a 4, 5, 7. This is how we make the transpose of the matrix. अब symmetric matrix क्या होता है? Square matrix. So ये example से हम symmetric और skew symmetric के लिए उसके conditions discuss नहीं कर सकते, जो हमने यहाँ पे table में लिख के लिया था कि A is equal to AT and A is equal to minus AT होता है symmetric and skew symmetric matrix के लिए. So फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वेयर है, जहाँ पे रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं. अगेन टेक मैट्रिक्स ए,
फॉर एग्जाम्पल अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करने, तो डायगोनल एलिमेंट हम लेते हैं 1, 2, 3। सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 7 देन दिस इज ऑल्सो 7, दिस इज 5 देन दिस इज ऑल्सो 5। This is 4, then this is also 4. एक मिनट हम कोई और मैट्रिक्स लेते हैं। टेक वन एग्जाम्पल स्क्वेयर मैट्रिसेस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सो 1, 7, 5 डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। दिस 7 मैच टू दिस 7, देन यहाँ पे -3 ले लो। देन डायगोनल एलिमेंट्स यू कैन टेक एनी थिंग। सो आई एम टेकिंग 8। दिस 7 शुड बी मैच टू दिस 7, दिस 5 शुड बी मैच टू दिस 5, एंड दिस -3 शुड बी मैच टू दिस -3। सो दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब ट्रांसपोज कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे आप? रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो। सो इफ दिस इज रो देन दिस बिकम्स योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो बिकम्स योर सेकेंड कॉलम, दैट इज 7, 2, -3, एंड दिस थर्ड रो बिकम्स योर थर्ड कॉलम, दैट इज 5, -3, and 8। सो वॉट यू आर ऑब्जर्विंग, ए एंड 80 आर द सेम। दैट्स वाई दिस कंडीशन इज गिवन फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन फॉर दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट ले लो 1, 2, 8, अगर ये 7 है तो ये बनेगा आपका -7, अगर ये आपका 5 है तो ये बनेगा आपका -5, ये अगर आपका 3 है तो ये बनेगा आपका -3। सो इफ दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज इट करेक्ट? नो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं आपके? 0 होते हैं। सो नाउ वी आर टेकिंग दिस इज 0, 0, and 0। नाउ इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस रो बिकम्स अ कॉलम, दिस सेकेंड रो बिकम्स अ सेकेंड कॉलम, दिस थर्ड रो बिकम्स अ थर्ड कॉलम, -5, -3, and 0। नाउ इफ आई एम टेकिंग द -1 आउट ऑफ कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रेसेस, नाउ जैसे कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि कोई भी एक रो और एक कॉलम में से आप -1 ले सकते हो, बट मैट्रेसेस में क्या होता है कि वो -1 मल्टीप्लाई टू ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रेसेस। तो अगर यहाँ से -1, यहाँ से -1 और यहाँ से -1, तो -1 × -1 × -1 बिकम्स अ -1, दैट्स वाई -1 इज द आउटसाइड ऑफ द मैट्रेसेस। नाउ योर मैट्रेसेस बिकम 0, 7, 5, -7, 0, सो 0, 7, 5, आई एम राइटिंग अगेन मैट्रिसेस। सो 0, 7, 5 जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बस साइन चेंज कर दो। नाउ दिस इज बिकम -7, 0, 3, दिस इज बिकम -5, -3, and 0। सो वॉट यू आर ऑब्जर्विंग, दिस इज द नथिंग बट ए ओनली, दैट्स वाई दिस कंडीशन इज गिवन, ए इज इक्वल टू -80। तो हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस भी डिस्कस कर लिया, जो कि हमारा फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, प्लस हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जो कंडीशंस ट्रांसपोज के लिए हमने लास्ट वीडियो में लिख के लिए थे या फिर लास्ट लेक्चर में लिख के लिए थे, उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके वो कंडीशंस कैसे कंस्ट्रक्ट की गई है वो भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका आता है, अगर आप बुक को ओवरलुक कर रहे हो तो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होने के बाद, आपका नेक्स्ट आता है इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रेसेस। इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रेसेस बहुत इजी है। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रेसेस उन्हीं दो मैट्रेसेस में होती है जिनका ऑर्डर सेम होता है, वरना इक्वेलिटी ऑफ मैट्रेसेस कंसिडर ही नहीं की जाती है। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रेसेस, फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड बी आर टू मैट्रेसेस, देन देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम फॉर यूजिंग इक्वेलिटी ऑफ मैट्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो कोई मैट्रिस है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7,
और अगर मेरे पास सेकेंड कोई मैट्रिस है बी, डेट इज ए बी सी डी ई एफ, इन दोनों में इक्वेलिटी ऑफ कंसेप्ट यूज हो सकती है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि ये दोनों भी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है, एंड फ्रॉम गिवन टू मैट्रिसेस आई कैन से ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 4 एंड ई इज इक्वल टू 5, एफ इज इक्वल टू 7. दैट मीन्स जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं दिए गए दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम है वो भी सेम होते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है. डोंट वरी, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फॉर्मल डेफिनेशन है वो बुक में दी गई है. और लास्ट में हम एक चार्ट थ्रू, जैसे फ्लो चार्ट थ्रू हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पूरा कवर किया था, वैसे ही आपको एक चार्ट में दिखाऊंगी जिससे हम पूरी रिविजन वापस कर लेंगे फॉर्मल डेफिनेशन के साथ. फिलहाल आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ के लेनी है. नेक्स्ट जो कंसेप्ट आती है या फिर नेक्स्ट जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. अगेन फर्स्ट जो भी आप अलजेब्रा यूज़ कर रहे हो मैट्रिसेस के लिए, पहले एलिजिबिलिटी उसकी है या नहीं है वो आपको चेक करना है. फॉर एग्जांपल इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तभी कंसीडर की जाती है जब दोनों दिए गए मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, वैसे ही एडिशन के लिए भी दिए गए दोनों मैट्रिसेस सेम हो ऑर्डर के होने कंपलसरी है, तभी उनमें एडिशन होता है, वरना एडिशन करना पॉसिबल है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक मैट्रिसेस लेती हूँ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7 और दूसरा कोई मैट्रिसेस है मेरे पास बी जिसमें एलिमेंट्स है आपके 0, 1, 2, 3, 0, 7, 3, 5, 0, 7. अब इन दो में एडिशन होना पॉसिबल है क्या? सो नो, कॉज ये आपका जो क्राइटेरिया एडिशन के लिए कि दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए वो जब भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है तो हमें उस वो दोनों भी मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने कंपलसरी है. अब जो भी ए मैट्रिसेस दिख रहा है इसका ऑर्डर क्या है? हाउ मेनी रोज? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 बाय 3. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस? 3 बाय 3. सो आर दे ऑफ सेम ऑर्डर? नो, ये दोनों मैट्रिसेस कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों सेम ऑर्डर के है नहीं, तो इनमें एडिशन हो ही सकता है. सो नेक्स्ट, अब एडिशन परफॉर्म कैसे किया जा सकता है जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हो? फॉर एग्जांपल मेरा सेकंड मैट्रिसेस है अब मेरे पास ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज आई कैन से 1, 2, 3, 0, 1, 3. सो हमें क्या करना है? एडिशन में सिर्फ जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड करते जाना है. सो ए प्लस बी नाउ बिकम्स 1 प्लस 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 2 इज 2, सो 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, 4 प्लस 0, 5 प्लस 1, 7 प्लस 3. सो दिस इज योर ए प्लस बी. नाउ जो कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही सकते हो, एडिशन बहुत सिंपल है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन आपको फॉलो करना है कि जब भी दिए गए दो मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर के हो तभी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, और सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सब्ट्रैक्ट करने ही, दैट इज नथिंग बट द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. इसके बाद हमने नेक्स्ट जो अलजेब्रा डिस्कस किया था और हमारा कंप्लीट भी हो चुका था क्लास में, वो था हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस. अब डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि जो हमने 11th में पढ़ा था कि जो भी स्केलर डिटर्मिनेंट के बाहर होता था वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता था, बट मैट्रिसेस में सिनारियो कुछ डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई ए मैट्रिसेस है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक 1, 2, 3, 4, 0, 7, 2, 1, 3, दिस इज 3 बाय 3 मैट्रिक्स. अगर मुझे कोई स्केलर फॉर एग्जाम्पल के से इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगी? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अ 3a. जब भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन लिखा जाता है सो यू कैन राइट बाई दिस नोटेशन 3a, डैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स ए बाय स्केलर 3. So now what you supposed to do, you have to multiply each and every element of the matrix by 3. So 3 ones are 3, 3 twos are 6, 6 threes are 9, 4 threes are 12, 0, 21, 6, 3, 9. So this is your
मैट्रिक्स आफ्टर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वेरी सिंपल ऑपरेशंस हमने डिस्कस किया अभी। फर्स्ट हमारा इक्वेलिटी ऑफ फर्स्ट सॉरी फर्स्ट हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन एंड द लास्ट वन इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब जो लास्ट बचा है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ से आपको एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब बहुत सिंपल था। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा चैप्टर आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, बट एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत इजी भी है कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स ऑफ द अलजेब्रा।